Hey guys, welcome on my channel. आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो अभी माइनक्राफ्ट प्लेयर को फेस करनी पड़ रही है, माइनक्राफ्ट नोट इंस्टॉल प्रॉब्लम। ये बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट करता है क्योंकि एक माइनक्राफ्ट प्लेयर माइनक्राफ्ट से कितना दिन दूर रह सकता है। बट गाइज, आज मैं आप सभी को कुछ रीजंस बताऊंगा आपके मोबाइल में माइनक्राफ्ट क्यों नहीं इंस्टॉल होता है इसके बारे में। स्टार्ट हम करेंगे मोबाइल से। विच मोबाइल डू यू हैव, आपके पास कौन सा मोबाइल है? ये चीज आप ही कर सकते हो। आपको अपने मोबाइल के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी चाहिए। ये कोई बड़ा काम नहीं है। आप कोई भी एक ऐप इंस्टॉल कर सकते हो मोबाइल इन्फॉर्मेशन की, एंड वो आप सभी को सारी इन्फॉर्मेशन दे देगी इसके बारे में। एंड ये मैं क्यों बता रहा हूँ वो मैं आगे आप सभी को बताऊंगा। देखो, ये प्रॉब्लम तब से बहुत ज्यादा हो रही है जब से माइनक्राफ्ट की जो फाइल्स लोकेशन है ना, स्टोरेज लोकेशन है, वो चेंज हुई है। पहले ये लोकेशन थी एंड अब ये हो गई है। जब आप कोई गेम को डिलीट कर देते हो या फिर अनइंस्टॉल कर देते हो तो साथ में उसकी फाइल्स भी रिमूव हो जाती है। माइनक्राफ्ट के साथ ऐसा नहीं हो रहा है बिकॉज इसकी फाइल लोकेशन चेंज हो गई है। जब आप माइनक्राफ्ट को अनइंस्टॉल करते हो, गेम तो अनइंस्टॉल हो जाता है बट फाइल्स वहीं की वहीं रह जाती है। एंड जब आप कोई न्यू वर्जन इंस्टॉल करते हो तो मोबाइल को लगता है कि इससे रिलेटेड फाइल्स पहले से ही मोबाइल में है, तो उस पे ओवरराइट नहीं हो पाता या फिर अपडेट नहीं हो पाता है एंड गेम नॉट इंस्टॉल दिखा देता है। आप सभी को माइनक्राफ्ट की सभी फाइल्स को रिमूव करना चाहिए एंड फिर इसको ट्राई करना चाहिए। आपने अगर कहीं से माइनक्राफ्ट को डाउनलोड किया है, लाइक अपने फ्रेंड से लिया है या फिर किसी वेबसाइट से डाउनलोड किया है, इन्हें का मतलब प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है, भी ये प्रॉब्लम आप सभी को बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। आप किसी और का माइनक्राफ्ट अपने मोबाइल में नहीं डाल सकते, इसलिए आप सभी को उसको बाय ही करना पड़ेगा तभी आप खेल सकते हो। ये बहुत ही एक कॉमन चीज जो देखने को मिलती है वो है क्रैक वर्जन। आप कोई भी एक क्रैक वर्जन डाउनलोड करके खेलने की कोशिश करते हो माइनक्राफ्ट को। होता क्या है, क्रैक वर्जन अलग ही तरीके से क्रैक किए जाते हैं एंड ऐसा नहीं कोई एक ही बंदा उसको क्रैक करता है, अलग अलग लोग करते रहते हैं। तो इससे होता क्या है, आप सभी किसी और ही एंड्रॉइड वर्जन में उसे इंस्टॉल करने की कोशिश करते हो तब भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसके बाद हम करते हैं बिट प्रॉब्लम के बारे में। अब ये बिट क्या चीज आ गई, बिट को मैं तुमको एक्सप्लेन नहीं करने वाला, यहाँ पर मैंने पूरा एक छाप दिया है नोट। इसको वीडियो को थोड़ा सा पॉज करो एंड पढ़ लो यार बिट क्या होती है। कॉमनली मैं आप सभी को बताऊं तो मोबाइल दो तरह के प्रोसेसर पर काम करते हैं, 32 बिट एंड 64 बिट। इसका सीधा सा मतलब यह है, अगर आपके पास 32 बिट वाला मोबाइल है तो उसके अंदर 32 वाला ही माइनक्राफ्ट चलेगा। सेम चीज 64 पर भी काम करेगी। आप सभी को स्टार्टिंग में मोबाइल इन्फॉर्मेशन के बारे में बताया था, वो यहीं पे काम आने वाला है। तो आप सभी को चेक कर रहे हैं आपका मोबाइल कितना बिट का है। यार तुम अगर मुझसे पूछोगे तो मैं यही बताऊंगा, अगर आप माइनक्राफ्ट को अननोन सोर्स से डाउनलोड करोगे ना तो प्रॉब्लम तो आएगी एंड साथ में वायरस भी आ सकता है मोबाइल में। देखो, क्रैक करने वाला कुछ भी डाल सकता है यार मोबाइल में, आप सभी को थोड़ा ना पता है, मुझे थोड़ा ना पता उसने क्या क्या किया है। लास्ट में मैं कुछ और भी रीजन बता रहा हूँ यहाँ पर, आप इनको भी पढ़ सकते हो एंड इनमें से कोई प्रॉब्लम आप सभी को आ रही है तो उसे भी आप सभी को सॉल्व कर लेना चाहिए। आपके मोबाइल में स्टोरेज की कमी हो गई है, आप कोई करप्टेड वर्जन भी डाउनलोड कर लेते हो तो वो भी इंस्टॉल नहीं होता है। आपकी फाइल्स एसडी कार्ड में होती है एंड गेम का डाटा मोबाइल के अंदर होता है तभी भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। लोकेशन भी बहुत ही ज्यादा एक इम्पोर्टेंट चीज है इसके अंदर, करप्टेड स्टोरेज भी आता है इसके अंदर, अलावा एप्लीकेशन परमिशन भी आता है, आपने उसको परमिशन दे रखी है या फिर नहीं दे रखी। लास्ट में इनकरेक्ट फाइल, कभी फाइल्स का आप रिनेम कर देते हो ना तो तभी भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। सब था इससे रिलेटेड। आपको क्या लगता है कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, मेरे को कमेंट जरूर से कर सकते हो, कमेंट बॉक्स खुला पड़ा है, एंड कोई सजेशन देना चाहते हो तो दे सकते हो। मैं बोलूंगा ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।